हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेदंकुन में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर लगभग एक महीना होने जा रहा है, ना तो एसपीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आउट हुआ है, ना ही एसपीआई क्लर्क मेंस की एग्ज़ाम डेट आउट हुई है। और सर काफ़ी जगह तो प्री का एग्ज़ाम हो चुका है बट कुछ ही सेंटर्स पर रह गया है, तो सर जिनका प्री एग्ज़ाम हो चुका है तो उनका प्री का रिजल्ट क्यों आउट नहीं हो रहा या मेंस एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये आईबीपीएस पीओ होता, आईबीपीएस क्लर्क होता या आईबीपीएस आरआरबी होता तो कह सकते थे कि कुछ ही सेंटर्स पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, लेकिन ये है एसपीआई। और आपको पता है कि एसपीआई में आपने कहीं से भी फॉर्म भरा हो, चाहे गुजरात से, यूपी से, एमपी से, बिहार से, झारखंड से, कहीं से भी आपने फॉर्म भरा हो, आपको सेंटर आपका होम टाउन या होम स्टेट मिल जाता है। अब रिमेनिंग सेंटर्स की बात करें, जैसा कि शिलोंग हुआ, अगरतला हुआ, नासिक हुआ, औरंगाबाद हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के कैंडिडेट ने सिर्फ वहीं से फॉर्म भरा होगा। वहाँ के काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने गुजरात से भरा होगा, महाराष्ट्र से भरा होगा, यूपी से, एमपी, झारखंड से भरा होगा। तो जब तक वहाँ प्री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, आपका प्री का रिजल्ट आउट नहीं होगा, ना ही आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, चाहे फिर मेंस एग्ज़ाम आपका सितंबर में हो चाहे फिर अक्टूबर में हो। और देखा जाए तो आज 9 तारीख हो गई है, ना तो रिमेनिंग प्री एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आए हैं ना डेट आई है, तो यहाँ से पॉसिबल तो है नहीं कि आपका मेंस एग्ज़ाम अगस्त में होगा। तो अभी आपके पास समय है, आप इंतज़ार नहीं कर सकते प्री के रिजल्ट का, क्योंकि इंतज़ार से आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आप एक एग्ज़ाम्पल समझिए, जब कोरोना आया था किसी को नहीं पता कितने समय तक रहने वाला है। अगर सभी यही सोचते कि वैक्सीन तक इंतज़ार करते हैं या कोरोना जाने तक इंतज़ार करते हैं तो स्थिति कितनी बिगड़ सकती थी, लेकिन सबने अपनी सेफ्टी देखी। तो यही स्थिति इसमें भी है, अगर आप इंतज़ार करोगे, आपको नहीं पता प्री रिजल्ट के बाद कितना समय मिलने वाला है, 10 दिन या 12 दिन, तो कम से कम आप करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए, थोड़ी थोड़ी मेंस की तैयारी आप करते रहिए साथ में। बाकी अभी आरआरबी पीओ प्री का भी एग्ज़ाम हो चुका है, आरआरबी क्लर्क का आपका 14 तारीख में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा, कल आरआरबी क्लर्क का भी एग्ज़ाम हो चुका है, तो अभी काफ़ी सारे मेंस एग्ज़ाम हैं, इसलिए मेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप अच्छे से मेहनत कीजिए, 100% इसी साल के एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।